आगामी विधानसभा चुनाव के आम चुनाव 2022 को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की रूपरेखा तय करनी शुरू कर दी गई। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारी और राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया, मतदाता सूची, मतदान केंद्र व मतदेय स्थलों की शिकायतों व निस्तारण के लिए भौतिक सत्यापन कराकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा, भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जनपद में समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र माधोगढ़, कालपी एवं उरई में पूर्व से स्थापित मतदेय स्थानों का भौतिक सत्यापन करने के बाद जीर्ण शीर्ण भवनों का परिवर्तन एवं 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होने के कारण मतदान केंद्रों का परिवर्तन, भवन का नाम बदलने के कारण भवन के नामों में परिवर्तन करने की कार्रवाई के साथ ये भी ध्यान में रखना है कि 1200 से ज्यादा मतदाता होने के कारण नया मतदेय स्थल स्थापित किए जाने संबंधी कार्रवाई जनपद के समस्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा पूर्ण की गई। समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा उपलब्ध कराए गए मतदेय स्थलों के प्रस्ताव सुझावों को सम्मिलित करते हुए सूची को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया। निस्तारण उप जिलाधिकारी तहसीलदार कोच द्वारा किया गया। इस बैठक में उप जिलाधिकारी उरई गुलाब चंद, उप जिलाधिकारी कोच अंकुर कौशिक, उप जिलाधिकारी माधोगढ़ सालिक राम, तहसीलदार उरई कर्मवीर, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश्वरी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नवाब सिंह यादव, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव नारायण मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे। मैम, आज बैठक हुई है निर्वाचन को लेकर के, बूथों को लेकर के क्या डिसीजन लिया गया है? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न चरणों की तैयारियां चल रही है। इसी चरण में मध्य स्थल का संभाजन किया गया है और उसमें 1200 से अधिक मतदाता एक मध्य स्थल पर नहीं होने चाहिए और मध्य स्थलों की दूरी किसी भी मतदाता के निवास स्थान से 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे कुछ शर्तों के आधार पर जो पुराने मध्य स्थल थे उनका एक संभाजन किया गया है, उसके संबंध में प्रकाशन कर दिया गया था और विभिन्न राजनीतिक दलों की आपत्तियाँ मंगाई गई थी, उनके द्वारा जिन आपत्तियों को दिया गया उनका निस्तारण सुनिश्चित कराया गया है और यह प्रक्रिया आप अगले चरण में। मैम, जनपद में कितने बूथ थे, अब कितने बूथ हो जाएंगे? रिपोर्ट तेजस खबर।